कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर 1 मई तक रोक लगाया है, जिसके संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 23 अप्रैल से 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल से 1 मई के बीच बुक कराए गए स्लॉट को 15 मई के बाद रीशेड्यूल करके बनाया जाएगा, जिसकी तारीख आवेदक के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदक मैसेज प्राप्त होने के बाद संभागीय परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर अपने कार्य को करा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने कहा, मैं श्यामलाल, आरटीओ प्रशासन गोरखपुर। बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 23/4/2021 से 1/5/2021 तक के बीच में जितने भी आवेदकों द्वारा लाइसेंस संबंधित स्लॉट बुक किए गए हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। वो सभी लाइसेंस दिनांक 15 मई के बाद जो है पुनः रिशेड्यूल करके बनाए जाएंगे। उसमें जो जिनका आज की डेट थी उनको 17 मई का डेट दिया गया है। इसी प्रकार से लास्ट 24 मई तक सबकी डेट जो है रिवाइज कर दी गई है। इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है, समाचार पत्रों के माध्यम से और सारे जगह नोटिस बोर्ड के माध्यम से चस्पा करके लोगों का अवगत कराया गया है।